नमस्कार, आप लोग देख रहे हो जेके मीडिया और इस टाइम मैं जम्मू के जीवल चौक में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप ये देखेंगे ये पूरा रोड जो है कनाल रोड की तरफ जाता है, आगे तालाब तिल्लो और अखनूर रोड की तरफ ये रोड पूरा जाता है। फिलहाल आज यानी कि शुक्रवार शाम को 6 बजे से जो लॉकडाउन शुरू होना था वो शुरू हो चुका है और ठीक आज से एक बार फिर से ये लॉकडाउन शुरू हो गया है। दुकानें आप देखेंगे मेरे पीछे, सब दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं और जो अभी नई भी बंद हुई हैं वो लोग दुकानों को जो है बंद कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ठीक लॉकडाउन जो हर हफ्ते शुक्रवार शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लगना है, ये उसी की जो आज दूसरा चरण है जो कि लॉकडाउन आपके सामने फ़िलहाल लग चुका है, जिसको देखते हुए दुकानें जो हैं फ़िलहाल बंद हो चुकी हैं, दुकानों को बंद कर दिया गया है। और बाकी अभी फ़िलहाल गाड़ियों की मूवमेंट जारी है क्योंकि कई सारे दफ्तर अभी इसी टाइम बंद होते हैं और इसी टाइम बंद होने के बाद जो है लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं, तो फिलहाल गाड़ियां भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी। मैं आपको ठीक दूसरी तरफ दिखा दूं, आप ये देख सकते हैं जीवल चौक एरिया, हालांकि कुछ मेटाडोर्स भी अभी आपको दिखेंगी यहाँ पर खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये मेटाडोर्स भी अभी फ़िलहाल जो है पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही आप देखें दुकानों की मैं आपको दिखाना चाहूँगा विजुअल्स, दुकानें फ़िलहाल सारी बंद हो चुकी हैं और ये सभी वो दुकानें हैं जो जीवल चौक में आप रोज़ाना देखते होंगे। इसके अलावा जो बाकी छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्रूट की सब्ज़ियों की रेहड़ियाँ लगती हैं, वो भी फ़िलहाल जो हैं लोग बंद कर चुके हैं और बंद करके जा रहे हैं। और क्योंकि लोग भी जानते हैं ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल साथ देना पड़ेगा और इस सिचुएशन से निपटने का एकमात्र अगर लॉकडाउन ही सहारा है तो उस चीज़ को पूरा फॉलो करना भी पड़ेगा। इसलिए जीवल चौक से आपको ये लाइव विजुअल दिखा रहे हैं। पिछला जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने आपको अप्सरा रोड से विजुअल दिखाए थे कि हालांकि अप्सरा रोड पर किस तरह से लोग जो हैं दुकानें अपनी बंद कर रहे थे 6 बजे से। वो लॉकडाउन तो पहले चरण में था इसलिए सख्ती भी ज़्यादा थी, लोग भी उस लॉकडाउन को समझ रहे थे। आज दूसरे चरण का लॉकडाउन है, 6 बज चुके हैं और लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। कल यानी कि शनिवार को भी लॉकडाउन रहेगा और उसके अलावा रविवार को भी लॉकडाउन रहेगा और उसके अगले दिन सोमवार सुबह 6 बजे ये लॉकडाउन जो है खुलेगा। इस लॉकडाउन की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को क्योंकि लगातार केसेस जो हैं अलग अलग इलाकों से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद लॉकडाउन की ज़रूरत है। और एक बार फिर से मैं आपको कनाल रोड दिखा दूं, साइंस कॉलेज की तरफ जाने वाला रास्ता और फिर उसके बाद कॉमर्स कॉलेज, हालांकि अभी गाड़ियों की मूवमेंट आपको ज़्यादा दिखेगी, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अभी लोग जो हैं दफ्तरों से यही टाइम होता है 5:30-6 बजे के करीब जो हैं दफ्तर बंद होते हैं, तो उसके बाद दफ्तरों से छुट्टी करके जो है लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं और इसीलिए थोड़ा सा रश आप लोगों को ज़्यादा सड़कों पर दिख रहा होगा। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन को पूरी तरह से फॉलो किया जाए और लॉकडाउन को पूरी तरह से उन SOPs को फॉलो किया जाए, इसका सबसे बड़ा जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें मास्क डाल के निकलना है। आप सामने देखेंगे विजुअल में एक मदर और एक बेटी दोनों आ रहे हैं और दोनों ने देखिए मास्क लगाया हुआ है और बिल्कुल सही तरीका है एक मास्क लगाने का, क्योंकि मास्क के बिना कोई और तरीका नहीं है। ये आप देख सकते हैं दोनों माता और जो उनकी बेटी हैं उन्होंने मास्क लगा के निकल रहे हैं और भाई बिल्कुल सही तरीका है, ये तरीका है मास्क लगाने का। और आप लोगों को भी जब मास्क लगाएं तो इसी तरीके से आपने जो है मास्क लगाना है और बाहर मास्क के बिना नहीं निकलना है। बड़ा अच्छा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो है लोग मान रहे हैं और कई जगह पर अगर कोई नहीं मानते तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है। आज मैं देख रहा था कि किसी को 2,000 रुपये का चलान हुआ है, किसी को 500 रुपये का चलान हुआ है, उन लोगों को जो लोग जो है मास्क नहीं डाल रहे, जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोग क्वारंटाइन नहीं रह रहे, होम क्वारंटाइन होने के बावजूद भी बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि जो केसेस हैं कोरोना वायरस के वो भी बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ मृत्यु का आंकड़ा वो भी बढ़ता जा रहा है। पिछले कल
हम बात करें तो दो मृत्यु जम्मू के अंदर हुई, एक शक्तिनगर में और दूसरी मृत्यु हुई शास्त्री नगर में। शक्तिनगर में एक शख्स जिनकी मृत्यु हुई, और जो जिनकी मृत्यु शास्त्री नगर में, वो एक महिला जिनकी मृत्यु हुई है। और भी इसके साथ कई सारी मृत्यु जो है रिपोर्ट हो रही हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, बुखार है, खांसी है, कृपया करके डॉक्टर को कंसल्ट करें, खुद से इलाज मत करें, क्योंकि इससे कई सारा नुकसान हो सकता है। और कई बार हम लोग लेट पहुंचेंगे और तब तक कोरोना वायरस हमारे अंदर जो है एंटर कर चुका होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सपोर्ट करें और पुलिस का समर्थन करें। 6 बजे शुक्रवार से लॉकडाउन शुरू हो चुका है, यानी कि अभी से, और ये सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चोत्रा जी के साथ, जीवल चौक जम्मू से, जय हिंद।